रंग यात्रा। सचिदा नागदेव, सन 1940 से 2017 है। 25 अक्टूबर 1940 को उज्जैन मध्य प्रदेश में जन्मे सचिदा नागदेव देश के शीर्षस्थ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकारों में शुमार किए जाते हैं। सन 1961 में उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सन 1962 में उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1970 में उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से एमए पेंटिंग की उपाधि प्राप्त की। '71 में उनका विवाह श्रीमती वनवाला से हुआ। उनके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा जन्म उज्जैन में हुआ, जो एक शांत पवित्र नगर है भारत के मध्य, जहां पुराने घर, सकरी गलियां और शिप्रा नदी के घाट, साधु संत, प्राचीन मंदिर, पुरानी मूर्तियां, सभी ने मुझे बचपन से ही प्रेरणा दी। मेरी इस कला यात्रा में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। वो अनाज व्यापारी थे, पर मुझे तराशने के लिए साइकिल के डंडे पर बिठालकर मेरे गुरुओं के पास ले जाते थे। सबसे पहले बैगन का लाइन ड्राइंग बनाना सिखाया था। सच्चिदा मेरा छोटा भाई, मेरे से 2 साल छोटा था, और बचपन की अनेकों स्मृतियां, यादें उनके साथ है। उसको चित्रकला का शौक कैसे लगा? शंकर राव पेंटर, जो पहले टाकीज में जो पिक्चर आते थे उनके पोस्टर बनाते थे, तो वो देखता था और उसने कहा कि वो भी कुछ कर सकता है। तो उसने जो है उनका देख करके और कलर और वो लेकर के बनाना चालू कर दिया। सचिदा जो है, उस समय कलर वगैरह नहीं थे, तो ये क्या करता था कि चिमनी जलाता था। चिमनी जला करके और जो काजल आता था, उस काजल को इकट्ठा करके और उससे पेपर के ऊपर कुछ भी बनाते रहता था। शंकर राव पेंटर मेरे पहले गुरु थे। विनोद मिल उज्जैन में सांचे चलाते थे और साइन बोर्ड पेंटर थे। उन्होंने ऑयल पेंटिंग, पेंसिल, काजल वर्क और ग्लास पेंटिंग सिखाया। रावण छाप बीड़ी के 500 बोर्ड 3 पर पेंट करवाए। पहला म्यूरल फ्रीगंज की एक होटल की दीवार पर उड़ती हुई परियां उन्होंने बनाई वाटर कलर से, पाउडर रंगों को मिट्टी की प्याली में घोलकर। मैं उनकी शागिर्दी करता था। मैंने ग्लास पेंटिंग में गांधी जी और बुद्ध का पेंटिंग बनाया। कला रत्न जगमोहन सिंह पेंटर की नई सड़क पर प्रभात पेंटिंग सर्विस नाम की दुकान थी। मैं उनका शागिर्द बना। वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग में काम करना सीखा। सिनेमा के बड़े बोर्ड और प्लाईवुड के कट बोर्ड बनाना सीखा। उज्जैन में घर के सामने सोमवार और शुक्रवार के हाट भरते थे। मैं अपने बनाए पेंटिंग लेकर हाट में बैठता था। शायद ये मेरी पहली प्रदर्शनी कहना चाहिए। अंबेडकर सर ने एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षाएं पास कराई। वो मिडिल स्कूल में ड्राइंग टीचर थे। कुछ दिन मदनलाल पेंटर के पास शागिर्दी भी की, जो बड़े हुनर वाले गायक, पेंटर, मैकेनिक सब कुछ थे। फाइन मिक्सिंग मैंने उनसे सीखी। 1953 में वाकणकर जी ने बंबई से आकर
उज्जैन में एक छोटा भारतीय कला भवन घर पर ही खोला। मैं उनका पहला विद्यार्थी बना। उन्होंने मौलिक कला सिखाई, पूरी उम्र उनके साथ रहा। बंबई से जीडी आर्ट उन्होंने ही करवाया। भीम बैठका और उसके पूर्व प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज में मैं उनके साथ रहा। वो अद्भुत व्यक्तित्व थे। संत प्रकृति अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत की कला, स्थापत्य कला के दर्शन कराए, कन्याकुमारी तक साथ ले गए। रेखांकन बहुत गजब का करते थे। अजंता, एलोरा उन्होंने दिखाया। मुझे अपना बेटा मानते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं के कारण हूं। यूरोप यात्रा की प्रेरणा भी उन्होंने ही दी। सभी भारतीय कला की शैलियों में उन्होंने काम करवाया और साथ ही यूरोपीय शैली में भी। कला भवन उज्जैन में सभी विद्यार्थी वाकणकर जी के परिवार के रूप में रहते थे। उनको ग्रैंड होटल में दीवार पर चित्र बनाने का काम मिला। हम विद्यार्थियों रहीम कुरैशी और मैंने साथ काम किया। 1955 में करीब 200 रुपए मिले थे। इन पैसों से प्राग ऐतिहासिक चित्र जो चंबल के पानी में डूबने वाले थे उनको खोजकर कॉपी की। रामपुरा भानपुरा के जंगलों में। उसके बाद 1957 में उन्होंने भीम बैठका खोजा। वर्षों हम उनके साथ भीम बैठका जाते रहे। आर्ट स्कूल में पेंटिंग कर रहा था, आरपीएस यूरिडाइस, बड़ा मशहूर आर्टिस्ट का वो पेंटिंग था और उसकी कॉपी करना था। कॉपी करने में जब हम क्योंकि आर्ट स्कूल जाते आते रहते थे तो वो अक्सर कहता था कि यार बाबू देख, बकरी के बाल एक एक बाल उठाऊंगा, शेर का एक एक बाल उठाऊंगा और ये और फिर जो कपड़ा लपेटे हुए इसके शल देखना, वाइट कपड़े पे शल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने वैसा ही किया, काफ़ी समय उसको लगा। वो आज भी पेंटिंग उन दिनों की याद दिलाता रहता है। फ्रीगंज में एक लाला की दुकान थी जहाँ कचौरी, समोसे और दूध मिला करता था। मैं, कुरैशी और रहीम, ये सचिदा, हम तीनों ने एक कार्यक्रम बनाया। हम लाला की दुकान पे चलेंगे। सचिदा को कचौरी और समोसे का बड़ा शौक रहा। वहीं से हमने एक डायलॉग निकाला कि चलो धकाई कर ले। आर्ट स्कूल में भी कोई फंक्शन होता और नाश्ता होता तो हम उसको भी नाम देते धकाई होगी। सर से कह के जाते कि सब धकाई करके आए हम। पहले तो सर समझे नहीं, बाद के दिनों में उनका कि यार ये धकाई है क्या। हमने कहा सब वो अब चलो तो मालूम पड़ जाएगा। सर समझ गए कि मामला क्या है। तो अनायास मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, उनके यार कुरैशी खाओ पियो करो आनंद पैसे दे सचिदानंद, ये एक प्रचलित हो गया। उन दिनों कंधों पर झूला, रंग, ब्रश का और हाथ में कागज का बंडल निकल पड़ता था यात्रा पर। कुछ पैसा मिला, कश्मीर चला गया, अकेला ही खूब चित्र बनाए। फिर सैलाब आया, उसमें फंस गया। हाउस बोट वाले ने फ्री में रहने दिया। कश्मीर के वाटर कलर्स और स्केचेस मेरी महत्वपूर्ण याद हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन $8। दिल्ली से भोपाल आते समय ट्रेन में एक जर्मन लड़का श्वान मिला। दोस्ती हुई, वो भोपाल आया। उसके भरोसे जेब में सिर्फ $8 लेकर 1973 में मैं जर्मनी गया। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर वो मिला। मूंगफली खाकर, सड़क पर पेंटिंग बनाकर लगभग 3 महीने यूरोप की कला यात्रा की। वो भी सिर्फ प्रसिद्ध यूरोपियन मास्टर्स मोने वॉन गॉग की, पिकासो की चित्रकला देखने के लिए।
एम्स्टर्डम से रोम तक कला तीर्थ यात्रा की। वैन गॉग के चित्र, माइकल एंजेलो विंसी के चित्र, मूर्तियां देखकर चकित हुआ, खूब स्केचेस किए। First saw his paintings at a time when we're in the Western world, modern painters were searching her way. He found a real happy combination of tradition and modern creation. इसी बीच 1964 में भोपाल आया। एक कलाकार की प्राचार्य लालर्ग साहब मिले। उन्होंने कहा, भोपाल में एक बड़ा मॉडल स्कूल बन रहा है, तू आ जा, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट संभाल। मैं भोपाल आ गया। यहीं पर भोपाल में 1965 में टीटी नगर स्टेडियम में भोपाल की पहली सोलो एग्जीबिशन लगाई। भोपाल सांस्कृतिक राजधानी बनी। एमएफ हुसैन मेरे खास दोस्तों में से थे। उन्हें अपनी पुरानी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर बैठाकर पुराना भोपाल घुमाया और सिटी में नमक की चाय पिलवाई। कभी किसी भयानक घटना ने मुझे झकझोर दिया और परिणाम स्वरूप मृत्यु, गैस त्रासदी इत्यादि चित्रों ने आकार लिया। संगीत, खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत मेरी प्रेरणा है। मेरी बेटी स्टूडियो में सितार बजाती है और मैं चित्र बनाता हूँ। बरसों से ये क्रम जारी है। एक आदमी चला जाता है, चला गया आदमी अपने साथ अपनी जमीन, अपना आसमान भी ले जाता है, और ले जाता है अपने हिस्से का सूरज भी, चांद भी, बादल भी। एक आदमी चला जाता है तो चले गए आदमी के साथ साथ हमारे भीतर से भी बहुत कुछ चला जाता है। सचिदा ने अपनी सबसे अलग एक मौलिक शैली विकसित की, जिसमें उनके कैनवास चटकीले रंगों और कूची के मेल से जीवंत हो उठते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित प्रशंसित हुई हैं और महत्वपूर्ण कला संग्रहालयों में सम्मान पूर्वक संग्रहित की गई हैं। मैं उनके सबसे ज्यादा उनके जो चेहरा है उसमें उनका आँख की याद करता हूँ। उनका जो दृष्टि है, जो एक ऋषि तुल्य, एक शांत समाहित अंतर्लीन दृष्टि है, वो मुझे याद आता है। जो एब्स्ट्रैक्शन और फिगरेटिव, तो फिगरेटिव और नॉन फिगरेटिव के समन्वय उन्होंने अपने काम में किया है। कई उनकी कलाकृतियाँ ऐसे हैं जिसमें जो फिगर है वो झांक रहा है और वो जो शून्य या जो एब्स्ट्रैक्शन या जो अमूर्त है उसको भी परख रहा है। उन्होंने अपने अमूर्त तैल चित्रों में रंगों का सामंजस्य बैठाकर नए अर्थ तलाशे हैं। कला परिषद भारत भवन भी बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। प्रसिद्ध चित्रकार रजा को भोपाल लाने का श्रेय नागदेव जी को ही है। सचिदा नागदेव को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। 13 साल की उम्र में शंकर वीकली में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले तो पुरस्कारों में मैं याद करूंगा कि जब मैं बहुत छोटा सा 12-13 साल की उम्र में, तब दिल्ली में शंकर्स वीकली इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन हुआ करती थी और उसमें मुझे 2 साल पुरस्कार मिला। और उस जमाने में जो पुरस्कार मिलते थे, वो जो दूतावास हैं वो अपने अपने तरफ से पुरस्कार देते थे, तो जर्मन दूतावास ने मुझे घड़ी पुरस्कार किया था, घड़ी देकर। वो घड़ी आज भी 50 साल से मेरे पास है और वो घड़ी चल रही है। 16 साल की उम्र में अपना मास्टरपीस पेंटिंग संगीत का जादू बनाया। अजंता के भित्ति चित्रों से प्रेरित होकर कला भवन की दीवार पर हूबहू वैसा ही मार विजय चित्र बनाया। टैगोर अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रतिच्छाया चित्र पर पुरस्कार। उनके यक्षिणी चित्र से प्रभावित होकर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके साथ फोटो खिंचवाया था। नागदेव जी ने
विभिन्न देशों नेपाल, यूरोप, कोरिया, चीन, अमेरिका, कंबोडिया, थाईलैंड, जापान और यूएई की कई कला यात्राएं की हैं और चित्रकला की सभी विधाओं में काम किया है। वॉश, ऑयल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, एक्रेलिक, वाटर कलर, इन सभी विधाओं में वे सिद्धहस्त हैं। 1991 में जापान के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी यूरी टेलीकास्टिंग अवार्ड ओसाका त्रिनाले में उन्हें दिया गया। ये अब तक के एकमात्र भारतीय चित्रकार हैं जिन्हें ये अवार्ड प्राप्त हुआ था। The next winner is Mr. Sachida Nambudevi from India for your Yuri Telecasting Corporation Award. Nambudevi from India. Some years back I was in Osaka showing my paintings in a gallery, Gallery Kasahara here. And at that time I never thought that I would have an opportunity to come again and have this award. And in such a glittering function, or else I won't forget it, never. It was really a very good moment. And moreover, meeting all artist friends, that is really very lively. Thank you very much. वर्ष 1996-97 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के सर्वोच्च सम्मान शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। मध्य प्रदेश शासन श्री सचिदा नामदेव को रूपांतर कला के क्षेत्र में पारंपरिक शैलियों के अंतर्निहित सरोकारों के पुनर्सृजन और अपने विशिष्ट योगदान से समृद्ध करने के लिए वर्ष 1996-97 के शिखर सम्मान से सादर सूचित करता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल में सम्मानित प्रफुल्ला दहाणुकर आर्ट फाउंडेशन मुंबई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Was a pupil of Professor Vakanka, mm-hmm. who had a painting school, and Sachida, as a painter, he wanted to become a painter. He was very interested in prehistoric art. We had, in a way, we had the same interests, yeah. and that was also a reason why we came close. But of course, it was also his character and his very calm and understanding character towards us.